हेलो एवरीवन, अभी मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ सत्संग गिर और सोमनाथ टेम्पल। यस दे कम, देखो आ गए फाइनली दोनों। यस वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी एट 11 o'clock। आज थोड़ा लेट हो गया है, तो विथ मी माई बेस्ट फ्रेंड इज विथ मी शिल्पा। हाय शिल्पू। शनी हेलो। हम लोग लेट हैं ना, 351 किलोमीटर्स हमें कवर करने हैं और अभी 11 बज रहे हैं रात के, तो प्रॉबली अगर होल्ड करते हैं हम बीच में तो 1 आवर जितना टाइम आप गिन लो तो 9 बज जाएंगे हम मॉर्निंग के। तो अभी हमारी जर्नी वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो हर हर महादेव एंड महादेव फ्लैशर्स। गाइस अभी रात के 2:15 हो रहे हैं और हम लोग अभी होल्ड किया है और हम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं हम लोग गाइस? गांठिया। गांठिया गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने होल्ड किया है और इस पे हम लोग एक्चुअली पहुंच गए जूनागढ़। और मैं आपको दिखा रही हूँ दो क्यूट से पप्पी मेरे पीछे सुबह सुबह मॉर्निंग में मस्ती कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे भी एक अच्छी प्यारी फैमिली है, देखो मम्मी पापा दो बच्चे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ गुजरात के सासन गिर में, जिसका इतिहास 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है और अफ्रीका के बाद ये दुनिया का दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको शेर खुले में घूमते हुए दिखेंगे। गिर अपनी वाइल्ड लाइफ और गुजरात की रिच हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस और फूड के लिए जाना जाता है। हमने जो अकोमोडेशन लिया था वो भोजदे गांव से थोड़ा ही दूर था और ये सासनगिर के सिंह सदन से 10 किलोमीटर दूर था। और इसका लोकेशन आपको बताऊं तो बहुत ही इंटरनल और बहुत ही अच्छी वाइब है कि पूरे मैंगो ट्रीज के बीच में आपके कॉटेजेस है जिसमें बेसिक एमिनिटीज सारी है, जैसे कि स्विमिंग पूल है, आउटडोर सिटिंग है जिसमें आप खाट पे बैठ के खाना खा सकते हो, रात को आप फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो। तो या इट वॉज़ नाइस। 9:18 हो रहा है अभी और हम लोगों ने स्टार्ट किया था जर्नी रात के 11 बजे, तो मैंने जैसे बोला था कि हम लोग प्रॉबेबली 9 AM के आसपास पहुंच जाएंगे, तो यही हुआ, हम 9 o'clock के आसपास पहुंच गए यहाँ पे। अभी 9:18 हो रहा है और हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और यहाँ की वाइब आपको बता रही हूँ मैं, पूरा देसी वाइब है। तो ब्रेकफास्ट भी रोटलो मक्खन ये सब होता है, तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है यहाँ पर। गर्मा गर्म चाय, पोहा, पापड़ी, थेपला, दही एंड चटनी से। और यहाँ से मेरा रूम है, काफ़ी क्लीन है। ये देखिए यहाँ पे लायन का पिक्चर लगा हुआ है और दिस इज़ माई रूम। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक टेम्पल है पुराना कंकई टेम्पल। जिप्सी अलाउड नहीं है, बैग गाड़ी अलाउड है। खुली गाड़ी में कोई भी छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं ना, वो नीचे उतरने की मना है। वो नीचे उतर जाते हैं लोग को तो लेपर खा जाता है, उठा जाता है। इसकी इसलिए बना है खुली गाड़ी के लिए। हाँ, जंगल के बीचों बीच। जब आरती होती है तो शाम के वक्त शेर भी वो पहला आता, अभी नहीं आता है, वो समय चला गया उसका। बात सच्ची है, वो सही बात सच्ची है। आरती के टाइम पे आता था। शाम के कितने
कितने वक्त तक रह सकते हैं, सब कुछ है कि वो क्या अपने 6 बजे पहला निकल जाना पड़ता है, 6 बजे बाद में। दोपहर के 1:18 हुए हैं, हम लोग यहाँ पे होल करा है हमने, क्योंकि हमें जाना है कंकाई टेम्पल जो यहाँ से काफ़ी दूर है, और एक यही हमें पार्लर दिखा जहाँ से हम थोड़ा हमारा खाना पीना ले सकते हैं। तो वी आर टेकिंग सम लिमका और पानी की बॉटल। हाँ, हिरण नदी है ना, ये हिरण नदी है, ये सोमनाथ जाती है। ये देखो डियर क्या पूरा झुंड है, वाओ। सो हम लोग वेज पुलाव पैक करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 6 बज जाएंगे आते आते, और वहाँ पे जंगल है तो जंगल में फिर कुछ नहीं मिलता है। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? जामबुड़ी रेलवे स्टेशन, सदाधार रेलवे स्टेशन। यहाँ से कंकाई के लिए जाना चाहते हैं। इधर 22 किलोमीटर होता है ना, से यहाँ से 22 किलोमीटर है कंकाई मंदिर। ये सदाधार का रोड है। अच्छा, ओनली 1 किलोमीटर सदाधार, और यहाँ से आपको अंदर से टर्न मार के, ये गांव है ना पूरा, गांव का नाम क्या है? जामबुड़ी गांव। ये जामबुड़ी गांव है, यहाँ पर से सताधार गांव पास में पड़ता है, और जामबुड़ी गांव से कंकाई टेम्पल का डिस्टेंस 21 या 23 किलोमीटर होगा। तो हम लोगों ने ये कवर किया तो बहुत ही रोड जो उसके थे वो कच्चे थे, और ये गांव जाने के बाद भी जंगल आता है, ये देखिए। और ये पूरा आप देख ले सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, जैसे कि पूरा लश ग्रीन और पैरेट ग्रीन कलर का ग्रास, जो आपको दूर से आप देखोगे तो लगेगा जैसे कि मिनी स्कॉटलैंड है। तो मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था। अगर आप गिर सासन आ रहे हो और आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, तो आप ये कंकाई टेम्पल जाने के जो रास्ते से आप ये जंगल एक्सप्लोर करते हुए टेम्पल पहुंचोगे, तो वो आपको बहुत ही एडवेंचरस लगेगा और बहुत अच्छा फील होगा आपको। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप ये कंकाई टेम्पल ज़रूर जाओ और एक्सप्लोर करो, वहाँ जाके आप माता जी के दर्शन करो, और फिर पिकनिक जैसा भी हो जाएगा। आप सच में प्राइवेट टैक्सी या कुछ हैवी व्हीकल लेकर ही आना, क्योंकि क्या है कि हम अपनी प्राइवेट कार लेकर जाते भी है तो यहाँ के रास्ते इतने कच्चे हैं, और ये तो आपको मैं फ्लैट लैंड दिखा रही हूँ, लेकिन आगे इतने उबड़ खाबड़ रास्ते थे कि देखिए ये दो रास्ते पड़ रहे हैं। तो कोई गाइड या टैक्सी ड्राइवर होता है तो हमको गाइड कर सकता है कि परफेक्टली हमको कौन सा रास्ता लेना है, वरना आप खो भी सकते हो जंगल में। तो यस, आप टैक्सी बुक कर लो अगर आप कंकाई जाना चाहते हो तो, वरना प्राइवेट व्हीकल्स आप बिल्कुल लेकर ना आइए, मैं रिकमेंड नहीं करती, उसके रास्ते बहुत ख़राब है। तो जितने भी लोग हमें मिले थे रास्ते में, उन सबकी व्हीकल्स ख़राब हो गई थी, और इतने पतले रास्ते में उनकी व्हीकल्स और लोगों के लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। तो गाइज, जस्ट डोंट कम इन जंगल विद टेकिंग रिस्क के आपकी लाइफ के साथ, और आपकी फैमिली को भी बहुत हेडेक हो जाएगा अगर गाड़ी बिगड़ी बाय चांस तो, क्योंकि हमने रास्ते में देखा बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ बिगड़ रही थी। ये चेक पोस्ट है मेलडी आई चेक पोस्ट गिर, यहाँ से हमें टिकट लेनी है, हमारे ड्राइवर को जाना है और वो परमिट लेगा, और फिर अंदर एंट्री होगी। देखो एक गाड़ी गई, वैसे ही हमारी भी एंट्री होगी। यहाँ पे पीछे ही वॉशरूम वगैरह रखा है यहाँ पे, तो आपको अगर अंदर तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वॉशरूम वगैरह जो भी जाना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और यहाँ बोर्ड के उस तरफ पूरा जंगल स्टार्ट हो जाता है, तो जंगल में तो वैसे भी नीचे उतरने का पूरा मना है, और जब तक हमारा टेंपल नहीं आ जाता है तब तक हमको नीचे नहीं उतरना है। ऐसे कुछ फॉर्मेलिटीज और रूल्स है जो वी हैव टू फॉलो। तो यस, फिंगर क्रॉस्ड। ये देखो डियर्स क्या पूरा झुंड है, वाओ, ब्यूटीफुल। कहा जाता है कि कंकाई माता के दर्शन करने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें लेके आते हैं, और सबकी मुराद माता पूरी करती है।
और ये भी कहा जाता है कि शाम के वक्त आरती के समय में एक शेर यहाँ पर आता था, और आज की तारीख में भी वो शेर आरती में माता रानी के दर्शन करने आता है। यहाँ पर आकर बहुत शांति लग रही है, क्योंकि पूरा जंगल में और बीचों बीच ये मंदिर है। मेरे एग्जैक्ट पीछे यहाँ पर नदी है, तो नदी का बहता हुआ पानी है। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ, पूरा ये नदी है ना, ये कौन सी नदी है यूनुस भाई? कंकाई नदी है ये, आप देखिए यहाँ पे पूरी मछलियाँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। रेवा से कोडिनार છેલ્લા 30 વર્ષથી હું દર્શન કરવા માટે અહીં આવું છું, માતાજીની સેવા કરવા માટે પણ આવું છું, અને માતાજીનો ઇતિહાસ એવો છે કે નેસડું કહેવાતું, અહીં કનક નામનું નેસડું કહેવાતું, નેસડાની અંદર એક માડી અને એક બાપા રહેતા જે તે સમયે, અને એમની પાસે 60-70 ગાયો હતી। એ સમય દરમિયાન બહુ પુષ્કળ દુષ્કાળ પડ્યો, સ્વપ્ન સ્વરૂપે માતાજી આવ્યા, તો એ બંને જણા એવું કીધું કે સ્વપ્ન સ્વરૂપે નહીં, અમને સાક્ષાત દર્શન આપો। એટલે સાક્ષાત સ્વરૂપે પછી માતાજી પ્રગટ થયા, અને માતાજી પ્રગટ થઈ અને પછી એટલો બધો વરસાદ વરસાવ્યો કે આખો દુષ્કાળ દૂર કરી દીધો। પછી માતાજીએ એ બંને જણાને એવું કીધું કે હવે મારે પાછું મારા ઘરે જવું તો શું કરું, તો એણે એવું કીધું કે માતાજી તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે તમારા ઘર સુધી જઈ શકો, તમે જે રીતે પ્રગટ થયા તો કે એવી રીતે નહીં, તમે મને મૂકવા આવો। એટલે એ બંને જણાને સાથે લીધા, એટલે એણે જે બેન હતા એમને પણ ઝાંઝર પહેરાવ્યા, પોતે પણ ઝાંઝર પહેરાવ્યા, અને એમના જે ઘરવાળા હતા બેનના દાદા જે હતા એમને એવું કીધું તમે બંને આગળ રહ્યો, હું તમારી પાછળ, મારા જ્યાં સુધી ઝાંઝર સંભળાય તમને ત્યાં સુધી તમારો વિશ્વાસ અને તમારી શ્રદ્ધા અડગ છે કે નહીં મને પણ ખ્યાલ આવે ને હું તમને સ્વરૂપ રીતે દર્શન દીધા દઉં। તો એ ચાલતા થયા ચાલતા થયા ચાલતા ચાલતા આ નદી આવી, નદી આવી એટલે નદીની અંદર કોઈ પણ બેન દીકરીના પગમાં ઝાંઝર પહેરાવ્યા હોય તેનો અવાજ ન સંભળાય, એટલે એ દાદા અને એ માડી પસાર થઈ ગઈ, અને માડીએ જેવા બંને પગ નદીમાં મૂક્યા એટલે એ દાદા અને એ દાદીને એવું થયું કે માડી તો આપણી સાથે છે નહીં, એટલે એણે પાછું વળીને જોયું, એટલે માતાજીએ તરત એવું કીધું કે હવે તારી ક્ષમતા પૂરી થઈ ગઈ, હવે મને મારું બેસણું કરાય, પછી એ સ્વરૂપે અહીંયા માતાજીનું બેસણું કર્યું। આ એમનો ઇતિહાસ છે। યહાં પર આકે હમારા ગાડી કા ટાયર પંચર હો ગયા થા, તો યુનુસ ભાઈને અભી જસ્ટ ચેન્જ કરવાયા હૈ ઓર હી અબાઉટ ટુ કોલ મી કે ચલ યે ટાયર હો ચુકા હૈ, તો અભી હમ જા રહે હૈ। તો હમ લોગોને દર્શન કર લીએ કંકાઈ માતા કે, અભી હમ રિટર્ન હો રહે હૈ હમારે જહાં પે એકોમોડેશન હમારા હૈ વહાં પે, તો હમ લોગ કુછ એક્સપ્લોર કરને વાલે ફૂડ કે મામલે મેં, જબ હમ છોટે થે ના તો યે ખાયા કરતે થે, યે દેખો યે, ઇસકો હમ ગુજરાતી મેં બોલતે હૈ ભૂંગળા, ये हमारा इवनिंग स्नैक्स है, ये इसको डुबाया, રાત કે 9:15 હો ગયે હૈ, અભી તક હમને હમારા ડિનર નહીં કિયા, ઓર યહાં પર તો લોગ બહોત જલ્દી સો જાતે હૈ, તો એસા લગતા હૈ કે જૈસે રાત કે 11 બજ ગયે હો, ટોટલી આપ આવાજ સુન રહે હો જંગલ કી આવાજ જો હૈ ના, જંગલ કી આવાજ, ઓર દેખતે હૈ ડિનર મેં ક્યા બના હૈ, ચલિયે। बैंगन भरता, सेव टमाटर की सब्ज़ी, खिचड़ी, कढ़ी, पराठा एंड सैलड, पापड़ और बाजरी की गर्मा गर्म रोटी आ रही है। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा कॉटेज है,
ये देखिए रात का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। सो आज के ब्लॉग का एंड मैं इसी ब्यूटीफुल नाइट व्यू के साथ करती हूँ। कल सुबह मेरी जंगल सफारी है देवड़िया पार्क के लिए, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जो जंगल सफारी के नेम से मैं अपलोड करूँगी। और ये कंकाई टेंपल, आई होप कि मैंने आपको एक हिडन जेम है जो गिर के अंदर है, तो मैंने आपको इसकी सही इन्फॉर्मेशन दी है। तो आई होप यू गाइज एन्जॉय माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप नए हो मेरी चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सच ही कहा है किसी ने कि रास्तों पर चलते चलते अगर आपको मंजिल का ख्याल ना आए तो फिर आप सही रास्ते पर हो।